फिल्म के अंदर सबसे पहले तो एक बात मिलने वाली है कि कभी लेट मत होना, भले आधा घंटा भी लेट मत हो, वरना पिताजी मारेंगे। ओके, दूसरी बात यह है कि इस फिल्म को देख के ऐसा लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी फास्ट पेस्ड थ्रिलर, एंड इन दैट स्मॉल मे बी अबाउट इट वॉज अबाउट 2.5 minutes. Two minutes. You can come to know the whole story, how it is going to be, what happens exactly. We can only see the film and come to know. But I can bet that it's the screenplay is a hero of this film, because how this is woven, that only time will say it. And so I wish the movie and the people involved with the movie best of luck. Thank you. This film actually, my character is very different. कॉमेडी छोड़कर ये बहुत सीरियस रोल है। ये फिल्म थ्रिलर है, इसमें भूत प्रेत नहीं है। मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ क्योंकि लोगों को लगता है इसमें भूत भूत होगा, बट इसमें मेरा कैरेक्टर बहुत अलग है एंड बहुत डार्क है। ऐसा कैरेक्टर है जो मैंने आज तक कभी नहीं किया है, और फिल्म में डार्क कैरेक्टर इनकी वजह से, क्योंकि पूरी फिल्म में उन्होंने मेरी माँ बहनी की है। मेरा कैरेक्टर एक ऐसे इंसान का है जिसने ज़िंदगी में पंक्चुअलिटी की वजह से बहुत मार खाई है और बहुत कड़वा लेसन लिया है। उसकी वजह से वो अपना जितना रोष है, उसका गुस्सा है, उसकी फ्रस्ट्रेशन है, वो अपने छोटे बेटे पे निकालता है। और इसमें एक इनडायरेक्ट मैसेज ये भी है कि आप अपनी चीज़ों को अपने बच्चों पर मत थोपो। वैसे किरदार इसमें आप देखेंगे कि आपको, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बिकॉज इसमें यू विल वॉच द फिल्म एंड आपको पता लगेगा कि आई गॉट अ लॉट मोर टू डू। कन्फ्यूजन होता है कभी कभी लोगों को कि व्हेन यू वॉच दिस फिल्म के ये दो हैं या एक ही है, तो मैं ये सस्पेंस रहने देना चाहूँगी। एंड आई थिंक आप लोग फिल्म देखिए, 30 minutes थ्रिलर है, टाइम बाउंड है, एक कहानी जो हम वक्त के पाबंद होते हैं, कुछ लोग ऑब्सेसिव हो जाते हैं वक्त को लेकर, और कभी कभी वो क्या कर जाता है, किस तरीके से किसी पे असर दे सकता है, दैट इज़ व्हाट द स्टोरी।